हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं निशा सालवी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस लिटिकल निशा सालवी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। कुछ समय से हमारी क्लासेस जो है वीडियोस हैं आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बट देर आए दुरुस्त आए तो मैं फिर से आपसे वापस से कनेक्ट हो रही हूँ। आप सभी से मेरी तहे दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फिर से जिस तरीके से पहले एक एनर्जी थी, एक एंथुसियाज्म था, एक कनेक्शन था, फिर से वैसे ही रखिएगा। यदि आपको मेरे वीडियोस बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में ये छोटी सी मेरी एक हेल्प जो है आपको काम आ रही है, या फिर आपको कहीं पर भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल रहेगा, सो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। छोटी सी एक चीज है जिसको हमें बहुत आगे तक बढ़ाना है, एक चेन बनाना है, ताकि उन लोगों तक सभी का ये नॉलेज पहुंच पाए और सभी जो है नीट की तैयारी कर पाए जो कि कोचिंग नहीं जा सकते, इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की फीस नहीं है। बस फीस के रूप में आप सभी का प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए और बहुत सारे लाइक्स एंड शेयर चाहिए, और हाँ सजेशन भी चाहिए कि मैं क्या कुछ नया कर सकती हूँ आप सभी के लिए। तो मैंने ये भी सोचा है कि आज से मैंने स्टार्ट जो करना है वो टॉपिक है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2, राइट, जिसमें हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है उसी के आधार पे, एक एक जो हमारा हम कह सकते हैं एक एक छोटा सा एग्जाम्पल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि आज हमने इस वाले चैप्टर के सिर्फ 2 पेज किए, राइट, हमने इतने वीडियो बनाया उस वाले ड्यूरेशन में हमने सिर्फ 2 पेजेस किए। उस 2 पेजेस में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो एम्स में आए, चाहे वो हमारे पीएमटी में आए, नीट में आए, कहीं पर भी जितने भी हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जहां जहां पर भी एग्जाम या जो जो जहां जहां पर भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, उसके लिए मैं आपको, जैसे मान लीजिए आज हमने 2 पेज पढ़े, अब उस 2 पेज में से कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो मैं आपको बताऊंगी उसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका क्या रहेगा, वो 2 पेज आपको कहीं पर भी कहीं से भी जाने की जरूरत नहीं होगी। जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप बस ट्रस्ट कीजिए कि उतना ही आएगा, आपको कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेनी है, राइट। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत कहाँ से पड़ी, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहता है वो रहता है कि क्लासिफिकेशन क्या है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे हमारी क्लास है, हाँ, हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बच्चे जिसकी हाइट बहुत अच्छी हो, है ना, मतलब एक ही हाइट के बच्चे, जो मतलब मान लीजिए कि 5 फीट उनकी हाइट हो, सभी 5 फीट वाले बच्चे एक तरफ कर दिए, फिर उनसे 4.5 वाले कर दिए, तो हमने क्या कर दिया, उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया। क्यों कर दिया, मान लीजिए कि 5 फीट का बच्चा हमारी कोई भी स्पोर्ट में जो है, देखो मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है स्पोर्ट्स की, बट हाँ किसी स्पोर्ट्स में 5 फीट का बच्चा ही काम आ रहा है, वो 4.5 फीट का बच्चा नहीं आ रहा है। तो हम इजीली जो बच्चे हैं, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उसमें से हमने पहले से ही उनको क्लासिफाइड कर दिया कि भैया ये हमारे 5 फीट के बच्चे हैं हाइट वाइज, तो हम उनको इजीली पिक कर सकते हैं। हमें ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम जो है वो ज्यादा नहीं वेस्ट होगा, जाया नहीं जाएगा, राइट। तो हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन भी इसी चीज के लिए किया गया। तो क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण किसके लिए किया गया, कि हमारे जो जीव जगत है, जीव जगत यानी कि जिसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, फंगस भी है, प्रोटिस्टा है, हमारा मोनेरा है जिसमें हमारे पास बैक्टीरियाज है ना, यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, फलाना, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी, मतलब एक छोटी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या इजीली हम इन पे स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यदि हम इनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दें या हम इनको क्लासिफाइड कर दें एक पर्टिकुलर ग्रुप में अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, तो इजी हो सकता है,
एम आई राइट ना। तो इसी वजह से यही चीजों का अनुमान लगाते हुए, यही चीजों को प्रिडिक्ट करते हुए हमारे साइंटिस्ट ने इस फील्ड में बहुत काम किया। और कुछ जो एक्सेप्टेड थ्योरीज थी इस चीज को लेकर के वो देखा गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारे अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे, देखेंगे अपन अरस्तु नाम के वैज्ञानिक राइट, जिसको हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं, ठीक है, एरिस्टोटल भी हम बोलते हैं। तो ये जो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं, इन्होंने ही एक फुट स्टेप दिया। फुट स्टेप क्यों, जैसे कि हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, बहुत अंग्रेजों के हमने चीजें सही, लेकिन किसी ने उस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, तभी आज हम बिल्कुल फ्री फ्रीडम फील करते हैं राइट। वैसे ही इस क्लासिफिकेशन में जिसने फर्स्ट फुट स्टेप लिया वो थे हमारे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। इन्होंने क्या किया, जो जीव जगत था उसको दो भागों में वर्गीकृत किया राइट। क्या किया अरिस्टोटल ने, जो जीव जगत था उसको दो भागों में विभाजित किया, एक हो गया पादप और एक हो गया जंतु, ठीक है, प्लांटी और एनिमिलिया राइट। तो ये जो पादप और जंतु है, इन्होंने बहुत ही सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, है ना, बिल्कुल ही साधारण जो आकारिकी के लक्षण होते हैं। क्या बोला मैंने, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि बहुत ही साधारण आकारिकी लक्षण को इन्होंने अपना आधार लिया वर्गीकरण के लिए, भाई कोई तो आधार मानेंगे ही। तो अरिस्टोटल ने इसको दो भागों में बांटा। प्लांट को क्या बोला इन्होंने कि तीन तरीके से हो सकते हैं, तीन तरीके से हो सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि भाई हमारा ये हो गया हब हो गया, ठीक है, और हमारा ट्री हो गया राइट, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। और एनिमल्स को इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया, एनिमल्स को इन्होंने बोला कि भैया जिसके पास रेड ब्लड सेल्स है ना, और जिसके पास नहीं है, ये याद रखना है अपन को बच्चों, एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हारे नीट को पास कराने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो पेज में बहुत सारा ज्ञान है, तो उसको हमें ऐसे ही नहीं लेना है राइट, हमें इसको सही लेना है। जैसे श्रब्स हो गया है ना, हर्ब्स हो गई और ट्रीज हो गए, तीन कैटेगरी में प्लांट को डिवाइड किया है। और एनिमिलिया की बात करें तो भैया जैसे लाल रक्त कणिकाएं हैं या नहीं है, एनिमल्स जिसमें लाल रक्त कणिकाएं हैं या नहीं है, रेड ब्लडेड और जिसमें जो रेड ब्लडेड नहीं है राइट, उसको एनिमिलिया के तौर पर उन्होंने डिवाइड किया, किसने, एरिस्टोटल ने। तो हमने क्या बात करी, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारी एनसीईआरटी के 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है बच्चों, उसकी शुरुआत आज हमने करी है, जिसमें हमने देखा एरिस्टोटल ने जीव जगत वर्गीकरण करने के लिए दो भागों में बांटा, जंतु और पादप। जब पादप की बात करें तो बच्चों पादप में हम देखेंगे कि जो श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं और ट्रीज है ना, तीन कैटेगराइज इन्होंने देखी कि जिस तरह से आकार बढ़ रहा हो, कि भाई पहले से एकदम शुभ है, फिर झाड़ी हुआ, फिर एक वृक्ष बन गया, उस हिसाब से देखा, यानी कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए, साधारण आकारिकी लक्षण लिए। एनिमिलिया की बात करी तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो जिसमें लाल रक्त पाया जा रहा है और जिसमें नहीं पाया जा रहा है, उस आधार पर करी। आई होप कि एरिस्टोटल की जो बात थी वर्गीकरण की वो आपको समझ में आ गई, क्या इन्होंने क्राइटेरिया लिया और किस तरीके से वर्गीकृत किया। अब आइए दूसरी बात पे राइट, अरस्तु जी ने जो एक कदम रखा इस क्षेत्र में, उसी कदम को आगे और वैज्ञानिकों ने बढ़ाया राइट। अब देखिए दूसरे महान वैज्ञानिक जिन्होंने द्विजगत प्रणाली दी या द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी है ना, बायनोमियल क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने, किसने दिया, लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, इनका फुल नाम था कैरोलस लीनियस। और वैसे इनका जो रियल नेम है बच्चों वो है हमारा कार्ल वॉन लीन, ठीक है, कार्ल वॉन लीन,
इनका फुल नेम है, लेकिन देखो क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना बच्चों, बहुत ज्यादा ही एकदम कहते हैं ना, एकदम डीपली चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो जो लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे वो भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। इन्होंने जो पद्धति दी द्वि नाम कि भाई एक बार वंशागति, एक बार उसका जो जगत होगा, उसका मतलब जो जी उसका मतलब जो कैटेगराइज किया दो तरीके से कि पहले उसका वंश का नाम और फिर उसकी जाति का नाम, इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया, बायनोमियल क्लासिफिकेशन दिया जो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो कैरोलस लीनियस ने जब हमारी ये पद्धति दी तो इन्होंने बताया कि जो जीव जगत है बच्चों वो भी प्लांट में और जंतु जगत में ही विभाजित है ना। मतलब क्वेश्चन आया क्या दिमाग में, क्या क्वेश्चन आएगा कि मैम अरिस्टोटल ने भी तो दो ही जगत में बांटा, तो फिर इन्होंने क्या किया, है ना। तो ये क्वेश्चन आया, क्यों जरूरी है बच्चों जानना, क्या आया कि जब लीनियस ने पादप और जंतु में बांटा तो भाई अरिस्टोटल ने भी तो कर दिया था, फिर आपने नया क्या किया। देखो बच्चों, उन्होंने जब इसको क्लासिफाइड किया था तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज्यादा देखा, ज्यादा महत्व दिया, है ना। लेकिन जब कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण किया पादप को और जंतु जगत को, तो उन्होंने देखा कि भाई जो सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के आधार पर उन्होंने जो प्रिंसिप मतलब जो बेस लिया, किस पे बेसिस लिया, सेल वॉल के आधार पे। दैट मींस प्लांट के पास सेल वॉल थी लेकिन जंतु के पास सेल वॉल नहीं थी। और इस पादप में उन्होंने किस किस को कैटेगराइज किया बच्चों, देखो इसमें इसको किया, इन्होंने बोला कि भैया फंजाई भी इसी में है ना, इसमें बैक्टीरिया भी इसी में है, और इन्होंने बोला कि जो प्रोटिस्टा है वो भी इसी में है, और जो जंतु है वो अलग से हो गया। मतलब देखो इन्होंने एकदम कर दिया कि भाई इसके पास भी है सेल वॉल, इसके पास भी सेल वॉल, इसके पास भी सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है। तो जिस भी जीव के पास सेल वॉल थी उसको उन्होंने किस में रख दिया, प्लांट्स में, और जंतु को अलग कैटेगराइज कर दिया क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं थी। तो आ गया बायनोमियल जो हमारा क्लासिफिकेशन था, द्वि जगत पद्धति जो थी वो कार्ल लीनियस ने दी, कार्ल वॉन लीन का नाम था, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कैरोलस लीनियस, मतलब अपने नाम को दो, जो द्वि नाम पद्धति इन्होंने दी उसी आधार पर रख लिया, कैरोलस लीनियस। आया मजा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि द्वि जगत जो पद्धति थी है ना क्लासिफिकेशन की, वो दी हमारी कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया है राइट, जिसमें इन्होंने पादप और जंतु को अलग किया किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पे, यानी कि कोशिका, एक मिनट रुकिए, कोशिका भित्ति राइट, यानी कि सेल वॉल के आधार पर, जिन जिन के पास भी सेल वॉल थी वो सब प्लांट के अंदर थे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटिस्टा हो, और जो जंतु थे जिसमें हमारी सेल वॉल नहीं थी उसको उन्होंने एनिमिलिया ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आ गई बात, कैटेगराइज कर दिया, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, अब अपन देखते हैं, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि हमारी ये जो थ्री जगत प्रणाली थी, मतलब जिसमें हमने बोला कि जैसे हम बोल रहे हैं फाइव किंगडम है ना, वैसे ही थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये क्वेश्चन आया तो नहीं है अभी तक, बट फॉर योर नॉलेज है ना, जस्ट अ नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमारा दिया है आपके अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ, अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल आपको याद हो तो बच्चों इवोल्यूशन जो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे अच्छे से क्योंकि नीट का ही पार्ट है। तो अर्नेस्ट हैकल नाम के जो वैज्ञानिक थे वो इवोल्यूशन में बायोजेनेटिक लॉ, जिसको आप जानते हो, आपने सुना हो कभी, जो भी नीट का एग्जाम पहले दे चुके हैं उन्होंने सुना होगा कि हमारा बायो जेनेटिक लॉ जिसका प्रतिपादन किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने, उन्होंने ही थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया राइट।
इन्होंने ही क्या दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दिया इन्होंने बच्चा, क्या कर दिया देखो, हमारे पास तो क्या था, हमारे पास हो गया यहाँ पे मोनेरा, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स डाले। क्या हुआ, मोनेरा जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स डाले। फिर हमने बोला प्लांटिंग, फिर हमने बोला एनिमिलिया, राइट, एनिमिलिया यानी मोनेरा, प्लांटी और एनिमिलिया इन्होंने किसने क्लासिफाइड किया, अर्नेस्ट हैकल ने। किस लॉ, क्या लॉ दिया था, इवोल्यूशन में इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया था। और आपसे पूछा जा सकता है, वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी वी हैव टू नो दैट कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया, ठीक है, और क्या क्या उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब देखिए हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, राइट, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बच्चों यहां पर अपने पास क्या था, प्लांट था, एनिमल था, मोनेरा भी आ चुका है। अब मोनेरा के बाद इन्होंने बोला प्रोटिस्टा भी कोई चीज है, राइट, इसमें अपने पास प्लांट वाले, यहाँ पर एनिमल वाले, मोनेरा में आपको पता है सारे के सारे यूनिसेल्यूलर होंगे, और यहाँ पर यूनिसेल्यूलर तो है बट ये क्या है, यूकैरियोट्स, राइट। क्या हुआ देखो बच्चों, मोनेरा का मतलब होता है कि जिसमें सारे के सारे आपके कैसे होंगे, बैक्टीरिया होंगे जो यूनिसेल्यूलर होंगे, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा इसमें मोनेरा के अंदर। मोनेरा में क्या बोला हमने, मोनेरा में बोला एक यूनिसेल्यूलर होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपना जीवन एक ही सेल पर निर्वाहित करेगा पूरा, जब तक वो जिएगा जब तक वो मरेगा तब तक एक ही सेल होगा, उसके पास सब कुछ उसी के अंदर होगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में हमने बोला यूनिसेल्यूलर तो है, एक कोश के तो है, बट हमने बोला कि मैम ये यूकैरियोट्स की श्रेणी में रखा गया है, मतलब यूनिसेल्यूलर होते हुए भी यूकैरियोट्स में रखा गया है। देखो बच्चों, एक एक चीज, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो एनिमिलिया हो, चाहे वो हमारा प्लांटी हो, चाहे वो हमारा मोनेरा हो, राइट, फंजाई हो, हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट कि इसको इसमें क्यों रखा, इसके क्या कैरेक्टर्स होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, रेप्लिकेशन सॉरी रिप्रोडक्शन क्या होगा, सारी चीजें मैं एलोब्रेट करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पर हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये दिया कार्ल लैंड ने, ठीक है, कॉपलैंड ने, सॉरी, ठीक है, कॉपलैंड, यहां लिख देती हूँ, कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने हमारे क्या दिया, ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और आज की जो महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जो बहुत ही ज्यादा सुनने वाली बात है, जिसको समझने वाली बात है, वो है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आ चुके हैं, जो मैं बताऊंगी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन इन दो पेजों में से आए हैं, आप उसको पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मैं एनसीईआरटी की बुक लेकर के हाईलाइट भी करवा दूंगी। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप आराम से देखिएगा, जिसमें मैं हाईलाइटेड करवाऊंगी चीजों को, और आप जब भी ये वीडियो देखेंगे सो प्लीज आप अपनी बुक लीजिएगा एनसीईआरटी की, और उसमें हाईलाइट कीजिएगा कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी उठ करके आ गए हैं, तो वो चीज आप बहुत ज्यादा क्लीनली पढ़ पाएंगे। सो अब हम पढ़ेंगे हमारा फाइव किंगडम वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, राइट, वाइडली एक्सेप्टेड है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया है, आर एच विटेकर ने 1969, याद रखना है ईयर, ईयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कौन से सन में, कौन से ईयर में हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, या किस वैज्ञानिक ने क्लासिफिकेशन दिया,
या आर एच वेटेकर ने 1969 में कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? राइट, सो आर एच वेटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया भाई इन्होंने? पांच जगत कैसे बांटा? इन्होंने बोला कि ये हो गया मोनेरा, ये हो गया प्रोटिस्टा, ये हो गया फंजाई, ये हो गया एनिमिलिया और सॉरी प्लांटी, और ये हो गया एनिमिलिया। राइट, अब सुनिए क्या होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, आपकी एनसीईआरटी में जो सेकंड नंबर का पेज है चैप्टर का, उसमें एक टेबल बनाया हुआ है बच्चों, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, उस टेबल को मैं अभी एलोब्रेट कर रही हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एक एक चीजें, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ फिर अपना ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं और भी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी, साथ में क्वेश्चंस बताऊंगी। फिर थर्ड वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे मोनेरा। ओके, सो प्लीज अपन छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि हमें ज्यादा टाइम ना देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हमें छोटी छोटी चीजों में मिल जाए। राइट, सो मोनेरा क्या है बच्चों? मोनेरा में ऑल बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ऑल बैक्टीरिया इंक्लूड किया गया है। राइट, ऑल जितने भी जीवाणु है वो मोनेरा में आते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे, अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, एक बार इसको रफ करके यहां पर पूरी टेबल बनाने की कोशिश करती हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि यहां से फिर दिखेगा नहीं आपको। ओके, चलिए आ जाइए, यहां लिख देती हूँ मोनेरा, यहां पर लिख देती हूँ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और हमारा एनिमिलिया। राइट, अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो बच्चों, जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, उसमें पूछा गया है कि जो हमारे आर एच विटेकर थे, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, मतलब क्या क्या बेस लिया, क्या क्या आधार लिया उस क्लासिफाइड करने के लिए उन जीवों को, बहुत जरूरी है। सो प्लीज फोकस करेंगे एक एक बात पे। मोनेरा में आप बोलोगे कि भैया ये कैसे है, कैसे जीव है, तो आप सभी को पता है सेल्यूलर है ना, सेल्यूलर है, ये भी सेल्यूलर है, लेकिन ये यूनिसेल्यूलर है। राइट, ये यूनिसेल्यूलर है, ये भी यूनिसेल्यूलर है, ये हमारे मल्टी सेल्यूलर है, ये भी मल्टी सेल्यूलर है, और ये भी हमारे मल्टी सेल्यूलर है। राइट, फिर इन्होंने पूछा कि भाई इनमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। राइट, जो इनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, आई मीन टू से, देखो सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। क्लास वर्क नहीं है ये ना, होमवर्क करके लाना। राइट, ये हम सेल वॉल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पर सेल वॉल हमारी प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखो जो प्रोटिस्टा है हमारा, यहाँ पर ये जो हम बोलेंगे ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ हो सकता है इसका लेयर, है ना। बात करेंगे हम जब मोनेरा में जाएंगे तो एक एक की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये पेप्टाइडोग्लाइकिन की हो सकती है, प्रोटीन की हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है। ये यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है ये पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है। फिर हम फंजाई की बात करें, राइट, फंजाई के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसकी सेल वॉल पे क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं आपको कल वाले जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन कब कैसा आया था, कौन से ईयर में, आपको फाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है। सो इसमें यहाँ से पूछा है कि ये नॉन सेल्यूलोसिक है, ठीक है, सेल्यूलोसिक है क्यों? क्योंकि ये काइटिन की जो है यहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंजाई में कोशिका भित्ति बेसिकली काइटिन की बनी होती है, और इसकी आपको पता है सेल्यूलोसिक होती है। राइट, और एनिमिलिया में तो होती ही नहीं है, तो सेल वॉल का जो फंडा है, कोशिका भित्ति का जो फंडा है, वो समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं
ठीक है, सेलुलर और मल्टी सेलुलर भी समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट करूंगी, वाइप आउट करूंगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वैसे आपकी बुक में है बच्चों, है ना। अब मोनेरा, अब हम देखेंगे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है। तो ये जो है बच्चों, ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये हमारे हेटरोट्रॉफ है, ये भी हेटरोट्रॉफ है और ये भी हेटरोट्रॉफ है। प्लांट आपको पता है ऑटोट्रॉफ है, मतलब ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, कौन, प्लांट। बाकी एनिमिलिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो हेटरोट्रॉफिक का मतलब और ऑटोट्रॉफिक का मतलब बता देती हूँ। हेटरोट्रॉफ का मतलब होता है परपोषी, यानी कि मैं अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड हूँ, प्लांट्स पे, क्योंकि वो हमें सब्जियां वगैरह देते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जंतुओं पर भी होते हैं, राइट। तो हेटरोट्रॉफिक हुए हम लोग, वैसे ही प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेटिक रहेंगे ये, है ना, फोटोसिंथेटिक रहेंगे, ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक है, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाए। अब देखो दो टर्म्स हैं आपके इसमें ना, दो टर्म्स हैं, जैसे ये हमारा सेप्रोट्रॉफिक, ये हमारा सेप्रोट्रॉफिक भी है पैरा, और एक होता है होलोजॉइक, ठीक है, होलोजॉइक है, ये हमारा पैरासिटिक है, राइट, ये भी हमारा पैरासिटिक है जी। और ये जो है बच्चों मोनेरा जो है, ये केमिकल्स पे, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पे, बहुत जगह ये डिपेंड करते हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। देखो बच्चों मैंने क्या बोला, एक बार वापस से सुनेंगे, मोनेरा की बात करेंगे तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये केमिकल्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट, ये सब चीजें हमारे मोनेरा में, क्योंकि बैक्टीरिया ऑल आर इंक्लूडेड इन मोनेरा ग्रुप, राइट। प्रोटिस्टा की बात करो तो ये हेटरोट्रॉफ है, पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। अब अभी बताऊंगी होलोजॉइक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक क्या होते हैं, राइट। फिर फंजाई की बात करो तो ये भी हेटरोट्रॉफिक है, सैप्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है। देखो कैसे फंजाई है, मान लीजिए कि ये एक रोटी है, रोटी पे आपको पता है यदि रोटी आप रख दो, ब्रेड रख दो, या ऐसी कोई चीज जिसपे जल्दी से कवक आ जाए, है ना, फंजाई आ जाए, तो मान लीजिए रोटी का टुकड़ा है। अब ये जो है, ठीक है, हाइफी कहते हैं फंगस का, ये जो हाइफी होता है, ये क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा बच्चों, और इस पे छोड़ देगा, किस पे छोड़ देगा, इस रोटी पर छोड़ देगा, रोटी पर छोड़ा। अब क्या करेगा, फिर ये जब ये सड़ने लगेगी, यानी कि इस पे जब फंजाई आने लगेगी, तो यहां से ये वापस से डाइजेस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब यहां से एंजाइम इसने छोड़े, यहां पर इसने डाइजेशन किया बाहर, आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर इसने डाइजेशन किया, और फिर यहां से अपना न्यूट्रिशन लिया, एब्जॉर्ब किया है, बाहर से एब्जॉर्ब किया है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कहलाता है सैप्रोट्रॉफिक। और यदि मैं होलोजॉइक की बात करूं, जैसे कि हम, वी आर होलोजॉइक, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, ठीक है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद हमारे को एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, और फॉर इजेशन किया जाता है, यानी कि बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, राइट एवरीवन। दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजॉइक में क्या होगा, खाया, पचाया, एनर्जी ग्रहण करी, और बाकी सब जो वेस्ट था वो हमने निकाल दिया होलोजॉइक में। सेप्रोट्रॉफिक में क्या किया, कुछ एंजाइम रिलीज किया, डाइजेस्ट किया, बाहर से हमने एब्जॉर्ब किया और एनर्जी लिया, राइट। दोनों में चेंजेस समझ में आ गया। तो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहा हमारा, ठीक है, सेल्युलर रहा। और अब एक और बात, जो क्वेश्चन भी आ चुका है, वैसे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाली थी, बट ये क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। अब क्या हुआ बच्चों, बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हुई है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो मोनेरा में बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप की सेल है, ठीक है, तो यहां पर हमारी एब्सेंट होगी, ठीक है, यहां पर भी एब्सेंट होगी, यहां पर प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, आ गई बात समझ में।
फिर हमने क्या बोला, एक सबसे बड़ी बात जो आरएच विटेकर के केस में कही जाती है, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, कौन कौन से पांच आधार माने, कौन कौन से पांच ऐसे बेस लिए इन्होंने जिसके आधार पे इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, राइट, अगेन बता रही हूं, कौन कौन से आधार लिए जिस पे इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो बच्चों सबसे पहले तो जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है मैं स्टार लगा के लिख रही हूं, यहां पर दिया हुआ है आपकी बुक में रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी यहां लिख देती हूँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कभी भी आरएच विटेकर का आधार नहीं था जिसके आधार पर उन्होंने पांच ये जगत प्रणाली दी या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कभी भी इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बताया है। अब क्या बताया है मैम, ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों आपके एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पर आपको लगाना है किस पे बेस नहीं है आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेसिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर लगाना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बेस्ड नहीं है। लेकिन मैम एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, यस बिल्कुल हाईलाइटेड लाइन है, लेकिन बेटा ये जो रिप्रोडक्शन है बच्चों ये किस पे है कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना, जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, ना कि रिप्रोडक्शन पे। इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उस बेसिस पे इन्होंने रिप्रोडक्शन टर्म दी है, बट यहाँ पर वो रिप्रोडक्शन नहीं है। आ गई बात समझ में, आपको नहीं समझ में आया प्लीज आप कमेंट में कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस से बता दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक चीज समझ में आई हो। अब देखिए एक और चीज हम देख लेते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको थ्री डोमेन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नीट एग्जामिनेशन, थ्री डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, तीन डोमेन इन्होंने रखे, राइट, एक रखा हमारा प्लांटी, एक रखा इन्होंने यूकेरिया, एक रखा यू बैक्टीरिया और एक रखा इन्होंने आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, यूकेरिया जिसमें यूकेरियोट सारे, यूकेरियोट यानी कि प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, ये किस में आ रहे हैं, यूकेरियो में, यू बैक्टीरिया में जो वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है, आर्के बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है। ये जो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन है बच्चों उसी को सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और ये किस पे बेसिस है मैम, है ना, तो ये बेसिस है बेटा 60SRRNA पे, ये याद रखिएगा 60SRRNA पे इनका क्लासिफिकेशन बेसिस रहा किसका, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि थ्री डोमेन का। आ गई बात समझ में, तो इस तरीके से आज हमने जो स्टार्ट किया है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत वर्गीकरण। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ, सो डोंट वरी, जितना आपको समझ में आता है वेल एंड गुड है। यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, कोई लाइन छूट गई है, तो आप उसको कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि जो जो इन जो आज अपन ने टॉपिक पढ़ा, यानी कि अपन ने आज ये पढ़े है ना क्लासिफिकेशंस पढ़े, इनमें से कोई भी एक लाइन उठ के आ रही है, कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, फिर अपन मोनेरा स्टार्ट करेंगे, राइट। यदि आपका कोई सजेशन है कि मैम इस तरीके से कोई चीज कर सकते हैं या हमें पहले ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो वो भी हाँ आपके मतलब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा,
मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो बच्चों आज के लिए बहुत सारा थैंक यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद।